हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ मल्टी ग्रेन ब्रोकली पराठा और मैं इसे तीन तरीके से बना के दिखाऊंगी, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो हम लेंगे एक बोल और इसमें ऐड करेंगे रागी या नाचनी का आटा, ज्वार का आटा और बाजरा का आटा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे गेहूं का आटा। इसमें डालेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा घी। इन सभी को मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करके हम इसका एक डो बना लेंगे और आटा लगाकर ढककर हम इसे कुछ देर के लिए साइड में रख देंगे। और अब हम लेंगे एक ब्रोकली, इसके पीसेस निकाल के इसे बहुत अच्छे से धो लेंगे और एक चॉपर में इसे डाल के बहुत ही फाइनली चॉप कर लेंगे। फिर स्टफिंग बनाने के लिए मैं कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे अजवाइन, सौंफ और इसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें हम ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड गार्लिक, इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड जिंजर, कुछ फाइनली चॉप्ड ग्रीन चिलीज और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फाइनली चॉप्ड अनियंस, थोड़ा सा सेंधा नमक और इसे हम थोड़ा सा कुक कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वेरी फाइनली चॉप्ड ब्रोकली, थोड़ा सा गरम मसाला और इन सभी को हम कुक कर लेंगे। तो ये मिक्सचर अब कुक हो चुका है, ड्राई हो चुका है, इसे हम साइड में रख देंगे। और ये जो आटा है और ये जो मिक्सचर है, इन दोनों को ही हम इस तरह से 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर 4 पार्ट में से हम एक पार्ट लेंगे और इसे अभी हम इस तरह 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे और फिर हम इन दोनों को ही इस तरह से बेल लेंगे और एक 2 पूरी की साइज़ की रोटी बना लेंगे। फिर एक इस रोटी में हम ये मिक्सचर को इस तरह से स्प्रेड कर देंगे और फिर ये जो दूसरी रोटी है इसे हम इस तरह से इसे कवर कर देंगे और साइड्स को बहुत ही अच्छे से सील कर देंगे। इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बहुत ही धीरे धीरे केयरफुली हम इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, हमने पराठा को बेल लिया है। और अब हम एक तवा गरम कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे और हम ये जो ब्रोकली पराठा है इसे हम एक तरफ से सेक लेंगे, फिर इसे पलट के हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। फिर इसमें हम थोड़ा सा घी स्प्रेड करेंगे और इस तरफ से रोटी को हम सेक लेंगे और फिर दूसरी तरफ भी घी अप्लाई करेंगे और इस तरफ से भी हम रोटी को अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए, ये हमारा ब्रोकली पराठा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा सिक चुका है और ये दोनों लेयर्स कितनी आसानी से अलग हो गए हैं। तो ये था ब्रोकली पराठा बनाने का पहला मेथड। अब चलिए देखते हैं इसे बनाने का दूसरा तरीका। और फिर से लेंगे हम आटा, इस तरह से हम इसे बेल लेंगे, एक पूड़ी के साइज का बेल लेंगे और फिर इसके बीच में हम ये थोड़ा सा मिक्सचर हम डालेंगे और फिर हम इस साइड से इस तरह से सील करते हुए इसे एक पोटली का शेप दे देंगे। इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे, इवन कर लेंगे और फिर सूखा आटा लगा के इसे हम बहुत ही धीरे धीरे केयरफुली बेल लेंगे। तो ये हमने पराठा को इस तरह से बेल लिया है और जैसे ब्रोकली पराठा को मैंने फर्स्ट मेथड में सेका था, उसी तरह से हम इसे भी सेक लेंगे। तो ये था ब्रोकली पराठा को बनाने का सेकेंड मेथड और अब हम देखते हैं हमारा लास्ट और थर्ड तरीका। और अब हम लेंगे आटा और इसे एक फुलके के साइज का हम बेल लेंगे। तो रोटी को बेलने के बाद इसके हाफ पोर्शन वाले साइड में हम मिक्सचर को इस तरह से बहुत ही इवनली स्प्रेड कर देंगे, साइड में थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे
फिर रोटी को हम इस तरह फोल्ड कर देंगे, साइड्स को एकदम अच्छे से सील कर लेंगे, और फिर आप चाहें तो एक फोक से इस तरह से आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं। फिर वही तवा पे हम थोड़ा सा घी गरम करेंगे और रोटी को हम फिर से दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे। तो देखिए ये हमारा ब्रोकली पराठा दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक चुका है, और इसे हम एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरह से दो पीसेस में कट कर लेंगे। तो ये था हमारा ब्रोकली पराठा बनाने का लास्ट एंड थर्ड तरीका। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।